हेलो स्टूडेंट, तो अपन स्टार्ट करते हैं गुरुनीति में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक एपिसोड नंबर 32। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए नेचुरल नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पार्ट लेस देन 0। तो देखो इसमें सैंपल स्पेस का मीनिंग तो क्या होगा कि आपको फर्स्ट 100 में से एक नंबर x को क्या करना सिलेक्ट, तो उसके कितने ऑप्शंस होंगे सर, 100 सही होंगे। और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या होगा कि दिस इनइक्विटी हैज सॉल्वेबल, मतलब दिस इनइक्विटी की जितने सॉल्यूशन होंगे उनको क्या लेना फेवरेबल केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इस इनइक्विटी को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये 20 पे 0 होगा, ये 40 पे और ये 30 पे, और राइट साइड से ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो लेस देन का मीनिंग नेगेटिव पार्ट। बट आपको ने ये जो पार्ट सेलेक्ट करना है क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग आ गया माइनस इनफिनिटी से 20 जी, बट क्वेश्चन में बोला गया एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू आ गया 1, 2, 3, 19 और अगला होगा 31 से लेके 39 तक। तो टोटल कितने होंगे, देखो 1 से 19 तक 19 नंबर होंगे और ये सर 9, तो 9 और 9 28, तो क्या आंसर आएगा इसका 28 अपॉन 100, ठीक है ना। तो टोटल आप 28 में से x नेचुरल नंबर को क्या कर सकते हो सिलेक्ट, जो ये क्या करेगा इसको लेस देन 0, तो 28 अपॉन 100 की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं 4 से कैंसिल आउट, क्या आएगा 47 अपॉन 25। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, देखो ठीक है। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है अपने को, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 5.6 एंड पी ऑफ पी भी देख रहे हो गिवन अपने को, ठीक है। और क्या कह रहा है, देन ए एंड बी आर, तो ए और बी कैसे इवेंट्स है ना ये बताना है अपने को। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, डिपेंडेंट होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो अपन क्या करें, अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन पी ए डॉट पी वी, तो देख सकते हो आप पहले सब पी A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा PA प्लस PV माइनस P ऑफ A यूनियन B, तो ये आपका आ गया 1/3 + 1/4 माइनस 5/6 यस सर, तो ये आ गया आपका 12 LCM आएगा, तो 4 + 9 - 10, तो ये आ गया 3/12 यानी कि 1/4। और देखो ये P PV के मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा। PA into PB equal to क्या रहा है? PA intersection B, that means events are independent. Mutually exclusive का मतलब disjoint event. Disjoint. तो disjoint में क्या है? Intersection का जीरो आना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, the probability a man can hit a target is 3/4, he tried 5 times, मतलब एक मैन के द्वारा किसी टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/5 और वो 5 बार उसको क्या करता है ट्राई करता है, देन प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एट लीस्ट 3 टाइम्स, मतलब मिनिमम वो उस टारगेट को 3 टाइम्स हिट करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो क्या करोगे, वो केवल 5 में से 3 टाइम हिट करे, तो 5 से 3 और 3 टाइम्स, मतलब 5 में से कौन से 3 टाइम हिट करे वो, तो 5 से 3 और 3 टाइम्स हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और रिमेनिंग 2 टाइम्स पे हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 का स्क्वायर होगा सर, प्लस वो 5 में से 4 टाइम क्या करे उसको हिट करे, तो 5c4 कौन से 5 में से 4 टाइम हिट करना चाहिए और 4 टाइम हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और रिमेनिंग 1 टाइम हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 5 की 5 टाइम्स वो क्या करे उसको हिट करे और ये आ गया 3/4, ठीक है ना। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर बेटा 4 तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये अ फेयर डाइस थ्रोन 20 टाइम्स, एक कोई भी डाई है ना फेयर डाइस को अपने 20 बार उछाला, दी प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द 10th थ्रो दी 4th 6 एपियर, देखो क्या कहना चाह रहा है, एक डाई को 10 बार फेंका, 10 में से वो कह रहा है कि जब उसका जो 10th थ्रो था जब 10वीं बार फेंका तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जो 4th थ्रो में चौथा 6 आया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल कितना फेंका है आपने 20 बार, लेकिन उसमें से वो बातें किसी कर रहा है सिर्फ 10 बार की है ना, तो 10वें थ्रो में 4th टाइम 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेरी बात सुनो,
इसका मतलब क्या हो गया, टोटल अपने कितनी बार आएगा, 10 बार, 10 में से पहले 9 बार क्या आएगा, 3 टाइम्स क्या आएगा, 3 टाइम्स 6 आना चाहिए। और जो 10th टाइम होगा, जो 10th थ्रो होगा, उसमें तो पक्का क्या आएगा, 6 ही आना है, 6 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब इतनी सी क्वेश्चन ये बन गया, पहले 9 बार में 3 बार 6 आ जाए और 10th थ्रो में भी 6 आए। तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा है आपने, 9 में से 3 बार क्या आना चाहिए, 3 ओवर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 3, यस 6 कितनी, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 की पावर 3, 10th टाइम भी आपका 6 आना चाहिए, तो आगे 1/6, तो अभी क्या है 5/6, यानी कि 6 के अलावा कोई और आएगा तो 5/6, उसकी पावर क्या आएगी, n माइनस r, दैट इज 6 इनटू 10th टाइम क्या आना चाहिए, 10th फ्लोर में 6 आना चाहिए, तो इनटू 1/6। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है ना, ये क्या है, मतलब इसको कर सकते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका pcr p की पावर r और q की पावर n माइनस r, ठीक है ना, तो इसको जो कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6 3 और ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सर। हाँ, 10, ठीक है, तो 9 में से पहले 3 ऑप्शन सेलेक्ट करो जिन पे 6 आना चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 का क्यूब 3 बार, और जो बचे 6 पोजीशन है उन पे 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दिस पार्ट, और लास्ट 10 पोजीशन पे तो 1/6 कंफर्म आने चाहिए, इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, ए मैन इज थ्रोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब 4 में से 3 टाइम्स वो सही बोलता है, He throw a dice and report that it is a 6. मतलब वो एक dice को throw करता है और report देता है कि उसपे 6 आया है. The probability that it is actually a 6. देखो इसका meaning क्या है? वैसे एक question आपका base theorem का, but अपन इसको simple sample space और favorable case से भी कर सकते हो. क्योंकि उसमें भी यही चीज़ है. देखो sample space का meaning क्या है इस question में? कि आप एक dice को throw करो और उसपे actually 6 आया. तो आप क्या करोगे? सही बोलोगे, तो क्या लिखना है, देखो डाइस को थ्रो करने पे 6 आना चाहिए, तो 6 आने का की प्रॉपर्टी 1/6, और उस पे अगर 6 आया है तो आपने क्या है, सही बोला है, तो सही बोलने की प्रॉपर्टी क्या होगी, 3/4 प्लस अगर उस पे 6 नहीं आया है 5/6, और फिर आपने क्या किया, झूठ बोल दिया, तो इनटू हो जाएगा 1/4, ठीक है भैया। आप आपने डाइस को थ्रो किया और उस पे एक्चुअली 6 आ गया, दो ही बातें होंगी, 6 आएगा या नहीं आएगा, 6 आएगा तो आप सही बोलोगे, और 6 नहीं आएगा तो इसका मतलब आप झूठ बोलोगे, आपको क्या बताना है कि एक्चुअली 6 आना चाहिए, तो ये आपका फेवरेबल केस हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1/6 * 3/4, तो आप दिस को दिस से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो देन इसको करोगे तो 6 4 तो एलसीएम आ गया ना, कैंसिल अपॉन में ऊपर तो आ गया 3 और ऊपर आ गया 3 और 5 8, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द चांस ऑफ विनिंग अ टेस्ट मैच बाय इंडिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इज 1/2। अच्छा, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि आपको इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपनी, 1/2। अ सीरीज ऑफ 5 टेस्ट मैच, मतलब अपने टोटल टेस्ट मैच कितने खेले हैं, 5, तो कह रहा है कि एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द टेस्ट मैच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड विन बाय इंडिया इन थर्ड। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ी देर पहले कर रहे थे अपन, है ना, कि थर्ड टेस्ट मैच में सेकंड टाइम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। हाँ, तो देखो दो बातें होंगी, पहली बात तो ये कि थर्ड टाइम यदि थर्ड टेस्ट मैच में वो सेकंड टाइम जीत रहे हैं, इसका मतलब पहले दो बार जो टेस्ट मैच खेले गए उसमें बस वो एक ही बार जीते, तो या तो क्या रहा होगा, पहली बार वो जीत गए होंगे विन, फिर वो लॉस, और फिर दोबारा से क्या जीत गए तीसरे बार में, या फिर क्या हुआ होगा, पहली बार हार गए होंगे, सेकंड मैच जीत गए होंगे, और थर्ड मैच तो जीत नहीं है उनको, क्योंकि वो क्या कह रहा है, पॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट इन द थर्ड टेस्ट मैच दे विन, है ना, ठीक है, चलो तो कर लो इसको 1/2 तो आपको पता है हारने और जीतने दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, तो इसको सॉल्व कर लो आप आराम से, आपका आंसर आ जाएगा 3 आएगा, 1/4 आएगा, बिल्कुल। अपन को ओनली ये देखना है कि तीसरी बार इंडिया दूसरी बार गेम जीतना चाहिए। हाँ, तो पहली दो बार तीसरी बार तो जीतना ही पड़ेगा, तो बाकी दो ऑप्शन है EWL हो या LW, ठीक है ना, बिल्कुल, और प्रॉबर्टी सबकी सेम है, क्योंकि इंडिया के वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीतने की प्रॉबर्टी 1/2, तो हारने की 1/2, तो किसने मना किया गया है कि किसी भी मैच में डिपेंड नहीं करता है, नो मैच एंड इन ड्रॉ, मतलब सारे मैच होंगे या तो इंडिया जीतेगा या वेस्ट इंडीज। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, cards are drawn 1/1 at random from a well shuffled playing cards 52 playing cards cards until 2 aces are obtained from the first time, मतलब आपको 1/1 playing cards को draw करना है, और कब तक draw करना है, जब तक first time, मतलब
जब तक दो एस नहीं आ जाए, then the probability that 18 drones are required for this program. तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में अपन को, सिंपल आपको 52 प्लेइंग कार्ड में से 18 कार्ड्स को ड्रॉ करना है, तो सैंपल स्पेस का मीनिंग तो क्या है कि 52 प्लेइंग कार्ड में से 18 कार्ड्स को ड्रॉ करना है, और प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि 18 कार्ड में से 2 कार्ड्स आपके एस होने चाहिए और लास्ट कार्ड तो एस होना मस्ट है, क्योंकि अपन कब तक कार्ड ड्रॉ करेंगे जब तक फर्स्ट टाइम टू एस आने चाहिए, मतलब 18 टाइम्स पे, मतलब 18 पोजीशन पे तो एस आना मस्ट है। तो देखो सैंपल स्पेस तो सर क्या लिखोगे इसमें, 52 में से, हाँ सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड में से पहले आप 18 प्लेइंग कार्ड सेलेक्ट करोगे, बट उन 18 प्लेइंग कार्ड को सेलेक्ट करोगे तो क्वेश्चन ये आता है कि जो 18 कार्ड से कौन सा किस पोजीशन पे आने वाला है, तो इसका मीनिंग 18 पोजीशन पे 18 कार्ड्स को ड्रॉ करने के मेथड फैक्टोरियल 18 आ जाएगा। भाई उनको अपन रीशफल भी तो कर सकते ना, कि जैसे लेट अपन को 4 में से 3 ऑब्जेक्ट लेने, तो 4 में से 3 ऑब्जेक्ट लो, लेकिन कौन सी पोजीशन पे पहली बार कौन आना चाहिए, तो उनको आप रीशफल कर सकते हो। तो ये आ गया 52 प्लेइंग कार्ड में से 18 कार्ड को लेने के मेथड। इसका मीनिंग क्या है कि जो 18 कार्ड सेलेक्ट करोगे उनका ऑर्डर भी फिक्स करना है कि कौन सा कार्ड कब आने वाला है, तो उसको लेने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 18। उसके बाद बात आती है फेवरेबल केस की। देखो सर फेवरेबल केस में अपन को क्या करना है, अपन को टोटल 18 कार्ड्स को ड्रॉ करना है, और ये फिक्स है इसमें कि जो 18 भी पोजीशन है उस पे तो एस आना ही चाहिए, मतलब ए आना ही चाहिए, बाकी एक एस और लेके आना है तो उसके 17 ऑप्शन है। तो अब क्या करो, देखो 17 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, 17C1, और सेलेक्टेड पोजीशन पे एक एस आना चाहिए, तो एस टोटल कितने होंगे 4, तो 4 में से आप एक एस सेलेक्ट करो, चलो 17 पोजीशन में से एक पोजीशन सेलेक्ट की और सेलेक्टेड पोजीशन पे एक एस आ गया। अब एक एस और लेना है तो एस कितने 3, और लेना कितना है एक 18वीं पोजीशन पे, तो 3 में से कोई भी एक एस सेलेक्ट करो। ये तो बात हुई 2-1 के आने की, जिसमें एक एस आपका 18वीं पोजीशन पे फिक्स होगा। अब रिमेनिंग 16 जो पोजीशन है उनमें आप 48 रिमेनिंग कार्ड में से एनी 16 कार्ड को ड्रॉ कर सकते हो, तो 48 प्लेइंग कार्ड में से पहले आप 16 कार्ड को ड्रॉ करोगे, और सिलेक्टेड 16 जो कार्ड्स हैं उनके लिए मेरे पास 16 ऑप्शन से आने के, तो उन 16 ऑप्शन पे इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 16। बस ये एकदम प्रॉपर सही है, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस अपॉन दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एफ अपॉन एस को, तो बेटा ये कैलकुलेशन करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3rd ऑप्शन, ये आप खुद करना प्रैक्टिस, ठीक है चले। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, ए पेयर कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 5 कंसेक्यूटिव हेड अकर इज। देखो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें कुछ केसेस अराइज करोगे कि एट लीस्ट 5 कंसेक्यूटिव हेड आने चाहिए, तो सबसे पहले बात करोगे 5 कंसेक्यूटिव हेड आए, फिर एट लीस्ट का मतलब 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और 9 आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखोगे केस फर्स्ट, ये क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा, केस फर्स्ट में क्या लिखोगे, 5 हेड अपीयर कंसेक्यूटिवली, तो देखो इसमें क्या क्या, इसके अंदर भी केस बनाने पड़ेंगे। देखो टोटल अपने पास 8 कॉइन को 9 ऑप्शन हैं टॉस करने के, तो देखो आप कॉन्जिटिव 5 हेड लाना है, तो स्टार्टिंग की 5 पोजीशन पे कॉन्जिटिव हेड है, तो 5 कॉन्जिटिव हेड है तो फिर छठी पोजीशन पे टेल आना जरूरी है, नहीं तो उसमें 6 कंडीशन भी इनबिल्ट हो सकती, तो आंसर ज्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आंसर बाद में, अगला क्या हो सकता है, पहली बार तो टेल आ जाए फिर कॉन्जिटिव 5 हेड आ जाए, तो फिर अगली बार टेल आना मस्ट है, नहीं तो फिर वो 6 टाइम्स हेड हो सकते हैं, एग्जैक्टली 5 टाइम्स आपको कॉन्जिटिव हेड लेके आना है। अगला क्या होगा, देखो थर्ड पोजीशन से कॉन्जिटिव 5 हेड हो तो इससे जस्ट प्रीवियस टेल आना चाहिए, और इससे पहले कोई भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, उसको हेड भी आ सकता है और टेल भी, टेल कॉन्जिटिव 5 हेड होने चाहिए, बाकी रिमेनिंग जो पोजीशन है उस पर टेल हेड कुछ भी आ सकता है, बट उससे प्रीवियस और उससे नेक्स्ट पे टेल आना मस्ट है, नहीं तो फिर केसेस ज्यादा बन सकते हैं। और अगला क्या होगा, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये 8 तक बात हो चुकी है, और एक केस कौन सा होगा कि 4th पोजीशन से कॉन्जिटिव 5 हेड हो
तो फिर नाइन्थ पोजिशन पे हेड ही होगा ना, तो इससे जस्ट प्रीवियस का ऑनर चीते और उनसे जस्ट पहले कुछ भी आ सकता है, तो उसकी प्रॉबिलिटी तो 1/1 हो जाएगी आपकी। तो पहले इन केसेस को अगर सॉल्व करोगे तो टोटल 4 केसेस है, देखो इसमें क्या आएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो कितनी बार आएगा 6 टाइम, तो ये तो सर आ गया 1/2 की पावर 6 प्लस इसमें क्या होगा 1/2 की पावर 7, इसमें भी 1/2 की पावर 7 और इसमें भी क्या होगा 1/2 की पावर 7, क्योंकि जिस पे क्रॉस एस का मीनिंग हेड टेल कुछ भी आ सकता है तो उसकी प्रायोरिटी 1 होगी। तो ये क्या आ गया 3 टाइम्स ऑफ 1/2 की पावर 6 सॉरी 1/2 की पावर 7, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखो अपन 2 की पावर 7 तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर तो आ गया 2 और इधर आ गया 3, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर जाएगा 3 + 2 5/2 की पावर 7, आंसर ये नहीं होगा बेटा, ये तो क्या है कि एग्जैक्टली 5/8 अकर्स। अब अगला केस क्या होगा, तो ये लेंथी क्वेश्चन है बट कर सकते हैं इसको। सेकंड केस में क्या लिखना है कि एग्जैक्टली 6 हेड अपीयर, केस सेकंड होगा एग्जैक्टली 6 कंसेक्यूटिव हेड अकर्स, तो वही सेम प्रोसीजर है, तो इसमें एक केस कम हो जाएगा आपका क्योंकि इसमें 4 उसमें 3 अगले में 2, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा बाद में। तो देखो 6 कंसेक्यूटिव लाने, तो एक बार स्टार्टिंग से लेट करें 6 कंसेक्यूटिव हेड, तो 7th पोजीशन पे टेल और बाकी दो भी कुछ भी आ सकता है। अगले केस में क्या होगा, फर्स्ट पे टेल होगा तो कंसेक्यूटिव 6 हेड लाने अपन को, ये हो सकता है, और अगला इस पे टेल हो गए बाकी पहले वाले 3 कुछ बाकी 3 कुछ भी हो सकते हैं, और एक केस ओले हो गया, तो स्टार्टिंग के 6 पोजीशन पे हेड और 7th पे टेल और बाकी दो पे कुछ भी हो सकता है, तो इनको भरने के तरीके ये होंगे, ठीक है, टेल फिर 3 और 3 6 हेड फिर एक टेल और फिर इधर कुछ भी आ सकता है, और लास्ट केस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस पे टेल लाना है, और अगेन अगला केस स्टार्टिंग के 2 पे कुछ भी हो सकता है और 6 आपको लाने हेड, तो पहले टेल लाओ लास्ट के 6 के 6 हेड 6 के 6, ठीक है ना, तो ये टोटल 4 केसेस होंगे इसमें। तो जब इसकी बात करोगे आप, तो देखो क्या करना अपन को, देखो इसमें क्या होगा 1 2 3 1/2 की पावर 7 आ गया, इसमें आ गया 1/2 की पावर 7, अगले में क्या आएगा देखो 1/2 की पावर 8 3 3 8, और ये भी क्या आएगा 2 4 3 2 1/2 की पावर 7 तो ये आ गया 3 बिल्कुल। अब इसके बाद अब अगला केस लेते हैं कि एग्जैक्टली 7, तो उसमें 2 ही केस बनेंगे या 3 केस, तो चलो एक काम करते हैं, सेकंड केस का आंसर ये आ गया, फर्स्ट केस का आंसर इसको सेपरेट लिख के इसको इधर से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, तो अपन ने फर्स्ट केस को हटा देते हैं। तो अगेन जो थर्ड केस है उसको क्या करोगे, कॉन्सेक्यूटिवली या एग्जैक्टली 7 हेड अकर कॉन्सेक्यूटिवली, तो 7 हेड आने का मतलब स्टार्टिंग से 7 हो सकते, तो एक टेल और एक कुछ भी आ सकता है, टोटल 9 है बिल्कुल, फिर पहले पे टेल लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगले पे टेल होगा, और फर्स्ट पे कुछ भी आए तो सेकंड पे आ गया टेल बाकी और बाकी 7 के 7 पे कौन आएगा, हेड आएगा, तो देखो क्या आएगा इसमें 7 और 8 आ गया ना, तो ये तो आ गया सर 1/2 की पावर 8 बिल्कुल, और नेक्स्ट में देखो इस पे 7 और 2 1/2 की पावर 9 होगा बिल्कुल, और इसमें भी 1 तो हट गया ना, तो 1/2 की पावर 8 आ जाएगा। तो एक बार अपन को इस केस को सॉल्व करना है, तो जब इसकी सिंपलीफिकेशन करो क्या आएगा, ये ट्वाइस आ गया, तो 1/2 की पावर 7 प्लस 1/2 की पावर 9 तो 5/2 की पावर 9 हाँ 5/2 की पावर 9 की आने के बाद एक केस और है कि एग्जैक्टली 8 हेड और अगला
नाइन के नाइन, तो वो तो 1/2 की पावर 9 आ जाए, ठीक है ना। तो जब ये सारे केसेज लिखोगे, ये लिख सकते हो अगला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इन सबको जब आप एड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आने वाला बेटा वो सेकेंड ऑप्शन आएगा 3/30, कर सकते हो, सिंपल सा पार्ट है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, कंसीडर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ओके, ईच विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी, ठीक है। मतलब 5 हमने क्या किए, बर्नौली ट्रायल किए हुए हैं, तो उसमें जो सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी की, जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या देखिए हमको, पी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर, कम से कम एक बार फेल हो जाए अपना जो ट्रायल है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32। यस, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा पी की क्या कह रहा है कि इंटरवल क्या होगा, तो पी का इंटरवल देख लेते हैं। उससे पहले मैं समझ लें, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 तो हमने क्या की, बर्नौली ट्राई की है इंडिपेंडेंट, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दे रखी है अपने को, पी। yes. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपने को दे रखी है पी, ये पी है, ठीक है ना। तो अभी देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, ये लिख रहा हूं मैं ना, इसे बना रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर, एटलीस्ट वन फेलियर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 31/32, और एटलीस्ट वन फेलियर का मतलब क्या होगा, कम से कम एक बार फेल हो, इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं कि एक बार भी फेल नहीं हुआ मेरा ट्रायल, तो वो क्या आ जाएगी, कम से कम एक बार फेल होने की मतलब क्या हो गया, एक बार फेल हो जाए, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच फेल, तो वन में से माइनस कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑल टाइम इज है ना सक्सेस होना चाहिए, हां नो फेलियर, या फिर आप कह सकते हो सो क्या, ऑल टाइम इज सक्सेस, या फिर कह सकते हो ऑल सक्सेस, ये आ गया सर 1 p की पावर 5, की पावर 5, पांचों की पांचों टाइम आपका सक्सेस होना चाहिए, तो 31/32 आ गया, सॉल्व कर सकते हैं, 1 में से माइनस करोगे आप 1/32, ये आ गया 1/32, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है 1/2 की पावर 5, तो सिंपल सी बात क्या है कि p की पावर 5 लेस देन 1/2 की पावर 5, इसका मीनिंग p जब आपका 1/2 से लेस होगा, भाई 1/2 से लेस लोगे और 5 पावर सेम है, तो ये हमेशा दिस पार्ट से ग्रेटर होगा, तो 1/2 से लेस आना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका आंसर 0 से 1/2 होगा, करेक्ट होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 थी, ए मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैज 3 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, मतलब 3 ऑल्टरनेट आंसर्स, और व्हिच एग्जैक्टली वन इज करेक्ट, इसका मीनिंग क्या है कि अपने पास टोटल 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, समझ लेते हैं एक बार, बिल्कुल, और ईच क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है लेट ए बी सी, और एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट क्वेश्चन में बोला गया है, तो देन प्रायोरिटी दैट ए स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, मतलब आप क्या बोला गया, आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टूडेंट को इन आंसर की को फिल करना है और एक बार में एक ही आंसर टिक करना है, और क्वेश्चन में बोला गया कि या तो वो 4 आंसर्स को टिक करता है, मतलब 4 क्वेश्चंस के आंसर टिक करता है, या 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर टिक करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो सिंपल सी बात क्या है, सैंपल स्पेस का मीनिंग तो क्या होगा, इसको अपन सीधा एफ और ऐसे कर सकते हैं, सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है, क्या है कि भाई वो 4 क्वेश्चन भी कर सकता है और 5 के 5 क्वेश्चन भी कर सकता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के 3 ऑप्शन, अगले के भी 3, अगले के भी 3, अगले के भी 3 और अगले के भी 3, तो ये तो आ गया सैंपल स्पेस 3 की पावर 5। उसके बाद फेवरेबल केस का मीनिंग क्या होगा, देखो बेटा फेवरेबल केस में आपको क्या करना है कि आप या तो 4 क्वेश्चंस को करेक्ट, मतलब 4 क्वेश्चन को टिक कर गया हो, या 5 क्वेश्चंस को टिक करो, तो सबसे पहले बात आती है कि आप इन 5 में से कौन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, ठीक है ना, तो पहले 5 में से आपने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद ये आपने 5 में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सही टिक करना है, और ये माना गया है कि जो गेस करोगे ना वही आंसर आपका करेक्ट होगा, तो जैसे लेट आपने 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो उनको टिक करोगे आप, तो उसको टिक करने का एक ही मेथड है कि आप करेक्ट आंसर को टिक करोगे गेस मानते हुए, तो इनटू क्या जाएगा 1, बट जो एक रिमेनिंग क्वेश्चन होगा कोई सा भी, उसके आंसर फिल करने के 2 तरीके होंगे, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है उसको टिक नहीं करना है, तो उसको 2 वे से अपन फिल कर सकते हैं, और प्लस अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन करते हो तो उनकी तो सही होने का एक ही तरीका होगा, तो क्या आ गया 5C4 की वैल्यू 5 × 2 = 10 = 11, तो ये तो आ गया 11, और टोटल केस 3/5, 3 की पावर 5, तो देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर,
11 अपॉन 3 की पावर 5 तो इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन 11 में देखो क्या कह रहा है आपसे। एन एक्सपेरिमेंट हैज 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इफ ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और टोटल उनमें से क्या है, ए और बी नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं। तो देखो पहली बात तो ये, ए कितने कंटेन कर रहा है उसमें से 4 आउटकम्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 4। दूसरी बात अपने को बताना है कि बी में कितने एलिमेंट्स हों, ऐसा समझो इसको है ना कि बी में कितने एलिमेंट्स हों कि दोनों इन इवेंट्स कैसे हों, इंडिपेंडेंट हों। यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अपने पढ़ा है क्या, PA into PV must be equals to PA intersection probability of A intersection B। अब मेरी बात सुनो देखो ध्यान से, करना क्या है अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो दे ही रखे हैं, अच्छा टोटल तो कितने हैं 10 है, तो ns तो अपना कितना हो गया 10 है। अच्छा अब मेरे को क्या नहीं पता, मेरे को नहीं पता nb को मैं मान लेता हूं m, और n अपने को और क्या नहीं पता, a इंटरसेक्शन b भी नहीं पता, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अपन मान लेते हैं n मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बस अब शुरू हो जाए अपन फटाफट से, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया 4/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया m/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया n/10, 10 से 10 निपट गया, क्या बचा अपने पास n equal to आ गया 4m/10, 4m/10। अब देखो n और m दोनों आपके इंटीजर हैं, तो n क्या आउटकम से, तो n अगर इंटीजर है सिंपल सी बात है और m भी आपका इंटीजर है, तो इसको वैसे y ऑप्शन नहीं करना था, आप m की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे n इंटीजर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये है कि m को जब आप क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो इंटीजर होगा, और 10 को टेन पुट करोगे फिर भी क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो आराम से ना 2m/5 की फॉर्म में, बस आपको दिखेगा 2 से दिखेगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5, ये बेटर ऑप्शन है। चलो m इज मल्टीपल, इसका फोर्थ ऑप्शन सर करेक्ट होगा 5/10। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ए फेयर डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक फेयर डाइस को 3 टाइम आपको थ्रोन करना है, इफ r1 r2 r3 आर दी नंबर ऑब्टेनिंग ऑन दी डाइस, मतलब r1 r2 r3 का मीनिंग क्या है, एक डाइस को 3 टाइम आपने थ्रो किया तो पहली बार जो नंबर आएगा उसको कोई भी लेट कर सकते हैं r1 r2 r3 का सो ऑन, ठीक है ना, देन दी प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा की पावर r1 प्लस ओमेगा की पावर r2 प्लस ओमेगा की पावर r3 आपका 0 होना चाहिए। अब आपको पता है कि r1 r2 r3 क्या है, ये डाइस के फेसेज के नंबर है 1 से लेके 6, तो देन देखो अपन को क्या करना है, ये अपने सबने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, मतलब इसी का यूजेस में, तो सिंपल सी बात क्या, देखो r1 r2 r3 0 तो नहीं सकते जिससे ओमेगा की पावर 0 बन जाए, r1 r2 r3 आपके 1 से 6 होंगे, तो एक को मान लेना है, 1 कब आ सकता है जब एक r मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो जैसे लेट समझने के लिए अगर आपने इसको 3 का मल्टीपल लिया तो ये तो 1 आ गया, फिर एक को ओमेगा लाना है तो ओमेगा किससे आ सकता है, या तो r को लोगे 1 या लोगे 4, ठीक है ना, मतलब r1 को मल्टीपल ऑफ 3 लाना तो उसके भी दो ऑप्शन है अपने पास 3 और 6, ओमेगा r2 को लाना है ओमेगा तो r2 को या तो 1 ले सकते हो या ओमेगा की पावर 4 इज आल्सो ओमेगा, तो इसके भी आपके पास 2 ऑप्शन है और इसके भी 2 ऑप्शन है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के लिए r को 2 आ 5 ले सकते हो। तो ये करने के बाद अब देखो लिखना कैसे, सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि इन इसका सम जीरो आना चाहिए, तो सैंपल स्पेस का मीनिंग तो क्या होगा, r1 r2 r3 r3 को लेने के कुल ऑप्शंस की कितने मेथड से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सैंपल स्पेस तो इसका क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ r1 r2 r3, देखो r1 r2 r3 को लेने की जो मेथड है वो 1 से 6 हो सकते हैं, तो r1 को भी लेने के 6 ऑप्शंस होंगे, r2 के भी 6 ऑप्शन है और r3 के भी 6 है, r1 r2 क्या है कि डायस को थ्रो करने पे जो आउटपुट से वो हो सकते हैं, तो सैंपल स्पेस तो आ गया। फेवरेबल केस में अपन को ध्यान रखना है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देखो क्या करना है कि r1 r2 r3 में से किसी एक पे तो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, एक पे 2 या 5 आ सकता है और एक पे 5 या 2 1 4 या 2 और 5 हो सकता है। देखो क्या करना है अपन को, पहले क्वेश्चन आता है कि r1 r2 r3 में से किस पे मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, तो पहले r1 r2 r3 3 है, 3 वेरिएबल्स है, इनमें से आप एक वेरिएबल सेलेक्ट करो 3c1, लेट आपने r1 को सेलेक्ट किया और सेलेक्टेड r1 पे सेलेक्टेड r1 को ओमेगा की पावर 1 लाना है,
वन लेके आना है, तो आर वन को लेने के कितने तरीके होंगे? टू ऑप्शन, दो में से। तो थ्री में से वन लेने का मीनिंग है आपने R1, R2, R3 में से एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड वेरिएबल को वन लाना है ताकि ओमेगा की पावर R1 बनाना चाहिए, तो उसको लेने की दो मेथड, इनटू अब R2, R3 दो वेरिएबल हैं, उनमें से एक वेरिएबल सिलेक्ट करो, सिलेक्टेड वेरिएबल को फिल करने के अगेन टू ऑप्शन, वन और फोर से, और लास्ट के अगेन टू ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा देखो, 3 × 2 = 6 × 8 आ गया, तो देन प्रोबेबिलिटी इज 6 × 8 / 6 × 6 × 6, तो क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल, 2y 2 2, तो ये जाएगा 2y 9, सॉरी 2y 9, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इज, ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है आपसे, अ सिग्नल व्हिच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे, एक सेकंड, हाँ अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4, मतलब कोई भी, जैसे अब देखो समझ लेते हैं क्वेश्चन पे ना, क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल सा कि एक कोई सिग्नल है वो या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। अब वो कह रहा है कि हर एक कोई भी स्टेशन है दो, ए और बी, और दोनों क्या करते हैं सिग्नल को रिसीव करते हैं ना, पहले ए ट्रांसमिट करता है बी को, तो बी रिसीव करेगा। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल इज, अच्छा करेक्ट सिग्नल रिसीव करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है। तो अपने को क्या कह रखा है देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पहले ना सिग्नल, सिग्नल अपना दो बातें होंगी, या तो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा, रेड होगा। अब इसको क्या करेगा, अपना स्टेशन ए क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, तो रिसीव या तो वो ग्रीन करेगा या वो रेड करेगा, कौन, स्टेशन ए। अब स्टेशन ए किसको ट्रांसमिट करेगा, बी को, तो बी, सॉरी बी को, बी भी क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो सही रिसीव करेगा या गलत। तो अपन जरा क्वेश्चन को अपन देखें ना, तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि इफ द सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन बी इज ग्रीन, स्टेशन बी ने जो सिग्नल रिसीव किया है वो क्या किया है, ग्रीन रिसीव किया है, ये तो फिक्स हो गया। तो कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी अपन को निकालनी है। तो देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब ए से अपने को क्या करना है, बी रिसीव करेगा है ना, तो ए से जो बी ने रिसीव किया है वो ग्रीन ही आना चाहिए, ग्रीन ही किया है वो, तो इधर भी ग्रीन। अब ऐसे ही ए भी, यहां से भी क्या होगा, बी ने सिग्नल रिसीव किया ग्रीन, ठीक है। अब दूसरी बात, जब इसने रेड सिग्नल भेजा था, तो रेड सिग्नल भेजने पर, तो रेड सिग्नल भेजने पर क्या हुआ होगा, ये भी दो ऑप्शन होंगे, ग्रीन और रेड, या तो ग्रीन या रेड, तो ए ने रिसीव किया या तो ग्रीन या फिर रेड, उसके बाद इसने किसको ट्रांसमिट किया, ये बी को, तो बी के पास तो दोनों ग्रीन है ना, बी से तो क्या फिक्स, हमने दूसरा केस लिया नहीं है, होगा बट हमने लिया नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको नीड नहीं है। चलो अब केस तो टोटल सर 8 बनेंगे, लेकिन अपने 6 केस, 4 ही केस काम के, क्योंकि अपन को बी को ग्रीन ही देना है, इसलिए वो 4 केस लिखे नहीं अपन, ठीक है। तो अब देखो अब शुरुआत करते हैं फटाफट से, सिग्नल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी अपनी, 4/5 बिल्कुल, और ये थी 1/5 यहां लिख लेते हैं इसको 4/5, यस सर। अब ये जो सिग्नल है वो करेक्ट रिसीव करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने पास, 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द सिग्नल करेक्ट है ना, करेक्ट सिग्नल, तो ये है 3/4, तो गलत रिसीव करने की क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। चलो आगे देखो, तो ये ग्रीन था और ग्रीन रिसीव कर रहा है, तो समझ लो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4, और रेड रिसीव कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो यानी कि 1/4। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब ये ग्रीन इसको मिला, अब ये क्या कर रहा है, इसको ग्रीन ही ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब कह सकते हैं बी रिसीव कर रहा है सही सिग्नल, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया 3/4। अब ये कैसा रिसीव कर रहा है, ग्रीन, बट आएगा कैसा था वहां से, रेड, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यस सर। इधर आ जाओ फटाफट से देखो, ये रेड है, रेड को ग्रीन कर रहा है एक्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब क्या हो गया 1/4, ये रेड को रेड ही एक्सेप्ट कर रहा है ना, रिसीव कर रहा है सही रिसीव कर रहा है, सही रिसीव कर रहा है 3/4, ये ग्रीन को ग्रीन कर रहा है तो सही कर रहा है, यानी कि 3/4, और गलत कर रहा है रेड को ग्रीन कर रहा है तो 1/4। अब अपने को क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने को कह रहा है कि यदि बी ने ग्रीन सिग्नल रिसीव किया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो सिग्नल था वो एक्चुअल में क्या था, ग्रीन था, तो फेवरेबल कौन हो गया, एक्चुअल ग्रीन, एक्चुअल ग्रीन कहां बैठा हुआ है, मेरा लेफ्ट साइड में, तो ये जो लेफ्ट साइड है पूरी पूरी ये क्या होगी, फेवरेबल, और इसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या होगी, टोटल फेवरेबल केस। तो क्या जाएगा, देखो देखो अपॉन में तो सब में 5, 4 और 4 है, तो एलसीएम तो क्या होगा, कैंसिल आउट, तो ओनली क्या करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ गया सर, 4 3 3 4 4 3 3 3 +
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए बॉय हैज कलेक्शन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स, द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ दिस पजल, मतलब जो ब्लू मार्बल्स है बॉय के पास वो ये तो 2 हो सकते हैं, 3 4 या 13 हो सकते हैं। इफ द 2 मार्बल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम हिज कलेक्शन देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट कलर इज 1/2। देखो क्या करना है, देन पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज, तो देखो आप क्या करो उसमें ब्लू मार्बल्स को लेट करो n, अब ये n आपका 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और लेट करते हैं अपन ग्रीन मार्बल्स भी गिवन नहीं है तो उसको अपन m लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको टोटल जो मार्बल्स है n और m इसमें से 2 मार्बल को करना सिलेक्ट, तो सैंपल स्पेस तो क्या जाएगा m प्लस n c2। और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो 1/2 प्रोबेबिलिटी वो किसकी है कि सेलेक्टिंग 2 मार्बल्स आर डिफरेंट कलर, तो एक इसमें से लेना है एक इसमें से, तो n c1 mc1 इज m ऑफ n आ गया m इन, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ गया आंसर, ये क्या होगा m a, और ये फार्मूला आपको पता होगा n c2 को लिख सकते हैं n n -1/2, तो दिस इज m प्लस n, अगले ब्रैकेट में m प्लस n -1 अपॉन 2 और अपॉन में 2 होगा तो न्यूमरेटर में आ गया बेटा और इक्वल टू आ गया 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो फाइनली आ जाएगा m प्लस n पूरे। अब इसके बाद देखो एक ही ऑप्शन है अपने पास, क्वेश्चंस में जो वैल्यूज गिवन है आपको वो किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स का मतलब n की वैल्यूज गिवन है। तो आप क्या करना है देखो उस क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में अभी y ऑप्शन ही करना ज्यादा बेटर है, इसको क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, तो जैसे लेट इफ n आपका 2 है तो जब इसमें आप n को 2 पुट करोगे तो m अगर आपका इंटीजर आता है तो सही बात है अदरवाइज गलत होगी, तो चलो एक काम करते हैं इसको पुट करके देख लेते हैं अपन, तो n को 2 पुट करने पे आ गए m + 2 m + 1 = 8m, ये आने के बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गए m² - 5m तो माइनस के 5m होगा और प्लस के 2, देखो इसकी तो रूट ही इमेजिनरी तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे ही आप क्या करना है इसमें 1/1 जब n को 3 पुट करोगे तो 100% सॉल्व करने पे m की वैल्यू क्या आने वाली है इंटीजर, ऐसे ही इसको पुट करोगे तो इससे भी m इंटीजर आएगा और इससे भी क्या होगा इंटीजर, और ये तीनों की तीनों जो कलेक्शन है वो आपके ऑप्शंस, क्वेश्चन ने क्या बोला गया है कि जो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स है वो दिस कलेक्शन से लेने हैं, तो यही आपके ऑप्शंस होंगे। अब ये नहीं कि सारे ऑप्शंस पुट करो, आप ऑप्शंस से पुट करो उनको मत पुट करना, ठीक है ना, उसका सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो 15 क्वेश्चन क्या है, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट PA इक्वल्स टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया बी ए, तो इसका मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो देखो यहीं से वहीं से शुरू कर लेते हैं अपन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी अपॉन ए ऑब्लिगेट ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बता दीजिए मैं अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा मेरे को बट यूनियन दे रखा है, तो आपको याद होगा क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए सॉरी अपॉन में पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपको आगे 1/2 और ये अपने को क्या दे रखा है अपने को 1/2, अब फटाफट सॉल्व करो पी ए कितना है अपने पास 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है अपना जी सर 7/10 और ये अपॉन वाले पार्ट को सीधा इधर भेज देते हैं, ठीक है सर, तो पी ओ पी कितना है 2/5, तो इससे सिंपल हो गया 1/5, सिंपल सी बात है 3/10 ये 2 ऑफ सबको इधर ले आए आप 2/5 को उधर भेजो तो क्या माइनस के 1/5 तो आ गया 7/10 माइनस के 1/5, तो 10 एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा
मेरे ख्याल से 10 एलसीएम लेने पे क्या गए 5 तो 1/2 आंसर जाएगा इसका प्रॉपर्टी क्या होगी 1/2 और 1/2 किससे लेस है 1/3 से गेट इसका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा चलो जी सर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया प्रॉपर्टी दैट ए नंबर सिलेक्टेड 3 डिजिट नंबर सिलेक्टेड हैज एग्जैक्टली 3 है क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको 3 डिजिट का नंबर एक क्या करना है सिलेक्ट करना है तो टोटल 3 डिजिट के नंबर कौन से होंगे 100 से लेके 999 तक तो टोटल जो नंबर है जिनमें से एक नंबर सिलेक्ट करना है वो कितने टोटल 900 तो सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है कि सिलेक्शन ऑफ अ नंबर इन आउट ऑफ 900 नंबर्स तो सैंपल स्पेस तो आ गया 900 फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है कि जो 100 से लेके 999 तक जो आपके 900 नंबर्स हैं इनमें से जो नंबर सिलेक्ट करोगे वो उसके केवल 3 फैक्टर होने चाहिए क्या होने चाहिए केवल 3 फैक्टर होने चाहिए तो देखो इसको थोड़ा एग्जांपल समझने की ट्राई करो आप जैसे कोई भी नंबर लिखते हो आप जैसे लेट आपने 100 लिया तो 100 तो देखो 1 से भी डिविजिबल हो गया एक खुद से भी डिवाइड होगा और बाकी बीच में 2 भी आएगा 4 भी आएगा मतलब एक कोई भी नंबर है वो ओनली 3 नंबर उसके 3 फैक्टर होने का मीनिंग यही है कि वो ओनली 3 नंबर से क्या होना चाहिए डिविजिबल तो एक तो वो नंबर 1 से होगा ऑटोमेटिक एक वो इटसेल्फ से होगा तो केवल एक ही नंबर और होगा जिससे ये डिवाइड और होना चाहिए तो ये केवल उसी केस में पॉसिबल है जब आप प्राइम नंबर लोगे जैसे मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं आपने जैसे लेट 121 लिया ये 121 क्या 11 का स्क्वायर है और 11 क्या एक प्राइम फैक्टर तो आप देखो ये जो 11 का स्क्वायर बोलो 121 ये ओनली एक तो 1 से डिविजिबल है एक ओनली इटसेल्फ से डिविजिबल और एक 11 से तो इसका मीनिंग ये है कि ऐसे नंबर लो 3 डिजिट के जो ओनली हैज 3 फैक्टर्स ये 3 नंबर से क्या वो डिविजिबल तो देखो इसमें कुछ नहीं होगा अपने जो प्राइम फैक्टर्स हैं सॉरी जो प्राइम नंबर वो कौन से होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 33 और आगे आएगा 37 बट देखो आप तो सोचो इनमें से कोई भी नंबर लेके उसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि इनका स्क्वायर तो 49 तक आएगा हमको चाहिए 3 डिजिट का नंबर तो जैसे लेट आपने 11 का स्क्वायर लिया 121 तो 121 जो नंबर है वो आपका ओनली 3 फैक्टर होंगे उसके अगला लो 13 का स्क्वायर जो 169 तो जो 169 है उसके भी 3 फैक्टर होंगे 139 169 तो आपको क्या लेना है कि वो प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनके जिन जो क्या हो स्क्वायर हो तो उनका स्क्वायर आपका 900 से लेस होना चाहिए तो देखो एक 11 हो सकता है और मैक्सिमम 33 का स्क्वायर आपका 900 से लेस सॉरी 31 का स्क्वायर आपका 900 से 900 999 से लेस होगा ठीक है ना तो आप ओनली 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 के स्क्वायर्स वाले नंबर कैलकुलेट कर सकते हो जिस जो नंबर इसके बिटवीन होंगे और उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे उसका सैंपल स्पेस क्या होगा 7 तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/900 एक तो उसका सेकंड ऑप्शन होगा और एक 0.1 से लेस है तो उसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखें क्या करना है आपको आउट ऑफ 6 पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट बैलून्स 8 बैलून्स आर रैंडमली सिलेक्टेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 पेयर इन इट देखो क्वेश्चन समझाता हूं फटाफट से आपको क्या कह रहा है ये कि अपने पास 6 पेयर हैं अलग-अलग बैलून्स के है ना 6 पेयर हैं उसमें से अपने को 8 बैलून लेने हैं जिस तो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी कि उसमें एग्जैक्टली क्या हो 2 पेयर हों तो कुछ मत करो आप 6 पेयर हैं अपने पास 6 पेयर में से अपने को कितने पेयर चाहिए 2 पेयर चाहिए तो पहले तो आप क्या करो 6 में से 2 पेयर सेलेक्ट कर लिया मैंने ठीक है ना अब अपने को क्या कह रहा है सुनो बात ध्यान से 6 में से 2 पेयर सेलेक्ट कर लिया अपने अब अपने पास कितने पेयर बचे 4 पेयर बचे अब इन 4 पेयर में से अपने को बैलून्स कितने चाहिए थे 8 2 पेयर सेलेक्ट कर चुका हूं तो बैलून्स कितने बचे 4 तो यहां पे क्या हो जाएगा अपना हर एक पेयर में से एक एक बैलून ले लूं मैं तो चारों बैलून क्या होंगे फिर नॉन पेयर वाले आ जाएंगे मतलब बिना पेयर के ये आ गया अपॉन में क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस कितना आएगा अपना टोटल बैलून्स कितने हैं अपने पास 12 तो 12c8 टोटल बैलून्स कितने हैं अपने पास 12 तो 12c8 तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अपनी सॉल्व कर लो इसको आराम से तो सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा देखो 62 तो कितना हो गया अपना 15 15 15 * 8 अपॉन में कितना आएगा 12c8 इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 12 11 10 9 और नीचे आएगा 24 उसको ले जाओ ऊपर तो उसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से तो जो भी आएगा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा अपना तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से कौन से हैं 16 और 33 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर देखो 18 क्या बोला गया है
the minimum number of times a fair coin need to be tossed so that the probability of getting at least two head is at least 0.96. इसका मीनिंग क्या है कि एक फेयर कॉइन को मिनिमम कितनी बार टॉस करें जिससे एट लीस्ट टू हेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0.96 से ग्रेटर होनी चाहिए. मतलब आपको बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96. तो देखो एट लीस्ट टू हेड का मतलब क्या, दो बार भी ऐड कर सकता है, तीन बार भी कर सकता है. और लेट आप करो कंसिडर कि लेट आपने उसको एन टाइम फेयर कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना. तो एन टाइम टॉस करने पे एटलीस्ट टू हेड आना चाहिए. इसका मीनिंग क्या होगा, एटलीस्ट टू हेड में दो बार हेड आ सकता है, तीन बार आ सकता है, चार बार और मैक्सिमम एन टाइम आ सकता है. तो आप क्या करो, वन माइनस ओनली वन टाइम हेड आया, जीरो टाइम हेड आया तो केवल एक बार हेड आना चाहिए. तो एन में से पोजिशन सेलेक्ट करो कि कौन सी बार आना चाहिए और सिलेक्टेड पोजिशन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और रिमेनिंग n माइनस में पोजीशन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n माइनस में तो ये आ जाएगा अगेन 1/2 की पावर प्लस n टाइम्स आपका टेल आना चाहिए. वन टाइम हेड हो या जीरो टाइम्स हेड हो तो ऑटोमेटिक क्या बचेगा, एटलीस्ट 2 हेड होगा तो ये जाएगा सारे के सारे टाइम टेल आना चाहिए 1/2 की पावर है 0.96. तो देखो क्या गया, 0.96 को उधर लेके आओगे तो क्या आएगा 0.04 एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n कॉमन लोगे तो न्यूमेरेटर में आ गया सर n प्लस 1. 0.4 का मीनिंग 4/100 तो 1/25 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जाएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन 25 इनटू n प्लस 1. तो अब इसमें कुछ नहीं है, इसने बोला है कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसको क्या करती है सेटिस्फाई. तो जब आप इसमें n को पुट करोगे मिनिमम 8 7 पुट करने पे डज नॉट सेटिस्फाई और n को जैसे ही आप 8 पुट करोगे तो क्या गया 2 की पावर 8 256 और ये आ जाएगा 225. तो देन ये ऑप्शन करेक्ट होगा. तो इसका आंसर फिल करना मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप मिनिमम 8 टाइम्स कॉइन को जब टॉस करोगे तो उसकी एटलीस्ट 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी 0.96 से ग्रेटर या ग्रेटर ही होगी वो, क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन तो कभी होल्ड नहीं हो सकती इसमें, ठीक है. और चलो उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. हां बिल्कुल. तो देखो क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है ये, लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3/3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज एदर 0 और 1. लेट द इवेंट्स E1 एंड E2 इज गिवन बाय दिस. E1 जो है वो क्या है अपना कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. और E2 क्या है अपना कि सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A, A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे 3/3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स है तो सम है वो क्या आना चाहिए 7. तो जैसे कि अपने को गिवन है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 upon E2 बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 upon E2 तो कंडीशन प्रॉपर्टी क्या होगी, पी इवन इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालनी है तो पहले E2 में मैं क्या निकाल लूं, नंबर ऑफ सैंपल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस E2. तो n E2 कितना हो जाएगा, देखो आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ E2 का मतलब क्या हो गया कि जिनकी सम क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए. आपको पता है कि सम 7 कब होगा 9 एलिमेंट्स का, जब 7 तो क्या हो उसमें से 1 1 1 1 1 1 हो और 2 क्या हो उसमें 0 हो, तभी उनका सम क्या आएगा 7. तो उनको अरेंज करने का तरीका, एक मैट्रिक्स के अंदर 3 7 तो 1 है और 2 0 है, उनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स का लाइन अपॉन फैक्टर 7 है, 2 जिसमें सेम है और 7 सेम है तो ये आ गया. इसको सॉल्व कर लोगे आप तो 9 8 9 6 36 यानी कि 36 आ गया. ये तो आ गया 36, ये तो आ गया 36 बिल्कुल. अब इसके बाद अपने को क्या कह रहा है वो, E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब बिल्कुल इंटीज का सम 7 भी होना चाहिए भाई, सम 7 भी E1 इंटरसेक्शन E2 ही ना, दोनों चीजों को एक साथ फुलफिल करना है. तो सम ऑफ इंटीज 7 मतलब 0 भी हो, 1 को 7 बार फिल करना है और उसकी डिटरमिनेंट का सम 0 होना चाहिए. ये आपको देखना पड़ेगा कि कब पॉसिबल होगा. तो सिंपल सी बात क्या है इसमें देखो, तो ये डिटरमिनेंट होगा तभी 0 होगा जब अपने पास क्या होगा, जो 0 है ना दो वो क्या हो, या एक रो या एक कॉलम में होनी चाहिए बिल्कुल. तो इसके होने के देखो क्या तरीके होंगे सर, कि या तो दोनों 0 एक रो में हो तो 3 में से आप ए रो सेलेक्ट करो 3C1 और सिलेक्टेड रो में उन दोनों 0 को फिल करने के तरीके क्या होंगे, फैक्टोरियल 3/2 दोनों. ये रो के लिए आ गया, सेम ये कार्यक्रम आपको कॉलम के लिए करना है. तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 3 9 × 2 18 आ जाएगा आपका, ठीक है ना. तो देन ये आ गया 1/2 मतलब E1 upon E2 की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 का मीनिंग 0.5. इसका आंसर भी आपको 0.5 फिल करना था क्योंकि IIT का क्वेश्चन था उस टाइम, ठीक है. चलो बेटा थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपन. थैंक यू.